एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। सो एक छोटा सा मैटर लेके आया हूँ, मैजिक। क्या आप मैजिक पे विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन मैजिक? आई थिंक करते होंगे या शायद नहीं करते होंगे, लेकिन आज एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में मैजिक होता है या नहीं होता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ पुअर फैमिली इन विच फैमिली देर आर द फोर मेम्बर्स। ये कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें चार लोग थे, हस्बैंड वाइफ एंड टू किड्स। द बॉय वॉज 8 ईयर्स एंड द गर्ल वॉज 6 ईयर्स। जो लड़का था वो 8 साल का था और जो लड़की थी वो 6 साल की थी। सो दे वर लिविंग द वेरी हैप्पी लाइफ, दे वर जस्ट एंजॉइंग द लाइफ डे बाई डे एंड दे वर जस्ट वेरी हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मस्ती कर रहे थे, लाइफ को जी रहे थे। सो वन डे हैपन्ड व्हाट, सडनली द बॉय फॉलन डाउन एंड द पेरेंट्स वर वेरी मच पैनिक। अचानक एक दिन हुआ क्या, लड़का गिर गया और बेहोश हो गया और पेरेंट्स उसके बहुत ज़्यादा घबरा गए। दे जस्ट रीच टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर पे पहुँचे एंड डॉक्टर डिड ऑल द चेकअप्स। डॉक्टर ने सारे चेकअप किए एंड वाइल द चेकअप दे जस्ट न्यू, उनको पता चला कि द बॉय हैज़ अ होल इन द हार्ट, लड़के के दिल में छेद है। एंड डॉक्टर टोल्ड देम अबाउट द ट्रीटमेंट, इट वॉज द एक्सपेंसिव ऑफ समथिंग अराउंड 15 लाख। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो पता चला दिल में छेद है और डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट बताया वो करीब करीब 15 लाख रुपए का था। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टाइप ऑफ एनी पुअर फैमिली, किसी भी तरीके के गरीब परिवार के लिए इतना आसान नहीं होता। बट दे ट्राई देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट किया। दे आस्क टू द बॉस, आस्क टू द रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स फ्रॉम एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह से कोशिश किया। बट वेन द मैटर अबाउट द मनी नोबडी इज देयर, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो कोई साथ नहीं होता। सो दे वर जस्ट पासिंग द टाइम, समय बीत रहा था एंड डे बाई डे द कंडीशन ऑफ द बॉय वेर बींग डाउन, लड़के की कंडीशन डाउन हो रही थी। सो वन डे दैट लिटिल गर्ल आस्क्ड टू हर मॉम, एक दिन उस छोटी सी लड़की ने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा व्हाट डे ब्रदर विल बी ओके एंड व्हाट डे वी विल एंजॉय अगेन, कि भैया किस दिन सही होगा, फिर से हम कब अपना खुशी खुशी जिएंगे, इंजॉय करेंगे। हर मम्मा सेड दैट डे मैजिक विल बी देयर, योर ब्रदर विल बी ओके। तो उसकी मम्मी ने कहा जिस दिन चमत्कार होगा, जादू होगा, मैजिक होगा, आपका भाई फिर से ठीक हो जाएगा। दैट गर्ल थॉट, उस लड़की को लगा दैट व्हेन द मदर हैज़ पेन हेडेक, लाइक जब मम्मी को दर्द होता है, सिर दर्द होता है, सो शी टेक अ पिल, शी टेक्स अ पिल, वो दवाई लेती है। सो मैजिक इज़ लाइक अ मेडिसिन, मैजिक शायद कोई मेडिसिन की दवाई है। सो शी टुक हर पिगी बैंक, उसने अपनी गुल्लक ली एंड ब्रेक इट, और उसको तोड़ा एंड शी कलेक्ट द सम कॉइन्स, उसने कुछ सिक्के कलेक्ट किए एंड रीच टू अ मेडिकल शॉप, एक पास वाली मेडिकल शॉप पे पहुंची। इन द शॉप द ओनर वॉज टॉकिंग विद दिस फ्रेंड एंड द बॉय वर जस्ट हैंडलिंग द कस्टमर्स। द गर्ल स्टार्ट नॉकिंग एंड शाउटिंग, लड़की ने हल्ला करना और थोड़ा नॉक करना शुरू किया। आफ्टर 2 मिनट्स द पर्सन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, ही जस्ट रियलाइज दैट द गर्ल इज नॉकिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम द लॉन, कि लड़की बहुत देर से बार बार नॉक कर रही है। ही जस्ट पिक द गर्ल एंड सेट ऑन द काउंटर, उसने लड़की को उठाया और काउंटर पे बैठाया एंड आस्क उससे पूछा, व्हाई आर यू शाउटिंग, हल्ला क्यों कर रही हो। दैट गर्ल जस्ट थ्रो द कॉइन्स, उस लड़की ने पैसों को पटका एंड विद अ वेरी इनोसेंसी, बहुत ही मासूमियत के साथ बोली, आई वॉन्ट मैजिक, मुझे मैजिक चाहिए। द पीपल एंड हिज फ्रेंड हु वॉज सिटिंग इन साइड ऑनर दे वर सरप्राइज। द पर्सन वॉज आस्क, जो इंसान बाहर खड़ा हुआ था उसने पूछा, व्हाई डू यू वॉन्ट मैजिक। देन ही टोल्ड, उसने बोला, माई ब्रदर हैज अ होल इन द हार्ट एंड माई मदर सेड व्हेन द मैजिक विल बी देयर सो माई ब्रदर विल बी ओके। आफ्टर गेटिंग हर वर्ड्स द पर्सन वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज कंप्लीटली साइलेंट, ही हैड tears in his eyes, but anyhow he controlled. And I think who the person was standing, all were silent. But they controlled. जो लोग भी वहाँ पर खड़े हुए थे सबने खुद को control किया. Then the person said, just took all the money, पैसे लिए and start counting. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 26, 27. And there was 27 bucks, 27 रुपए थे उसके पास. एंड दैट पर्सन जस्ट टुक द मनी एंड कीप इन द पॉकेट, उस इंसान ने उन पैसों को लिया और अपनी जेब में रखा एंड सेड टू दैट गर्ल,
और उस लड़की से बोला, आई एम योर मैजिक, ब्रिंग मी एट योर होम, मैं तुम्हारा मैजिक हूँ, मुझे अपने घर ले चलो। आफ्टर दैट दैट पर्सन जस्ट रीच टू हर होम, उसके घर जाता है, पहुँचता है, एंड समथिंग अराउंड 15 डेज लेटर, और 15 दिन के बाद उसका भाई, वो लड़का पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। कैन यू इमेजिन कि हु वॉज ही, हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड? He was for an attend heart specialist doctor. You know guys, people can say it is like a miracle, it is like a magic, but in reality that is the belief of that girl that I can purchase the magic. To magic naam ki koi cheez nahi hoti, magic hota hai to sirf aur sirf aapke vishwas mein. Agar aap kisi bhi insaan pe, kisi bhi cheez pe vishwas karte hain तो डेफिनेटली वो मैजिक की तरह आपके साथ काम करते हैं। तो बस अपनी लाइफ में मैजिक पर विश्वास करना या मत करना, लेकिन खुद के ऊपर जरूर विश्वास करना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।